माता की जय। हमारा मेन मुद्दा है कि युवा बच्चों को रोजगार के लिए काम किया जाए, जो हमारी शिक्षा है उसकी नींव सही मजबूत की जाए, और जो गरीब घर में पैदा हो चाहे अमीर हो उसको एक अच्छी शिक्षा मिले। मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। फिर बाकी इंफ्रा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाई, उनके लिए काम करना जरूरी है कि उनकी पैदावार 2-3 गुना बढ़े। इसराइल जैसा कंट्री कई गुना पैदावार पैदा करता है एक खंगर वाली जमीन में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारी इतनी उपजाऊ जमीन यहाँ पे, इतनी नहीं यहाँ पर इतनी दूसरे और क्षेत्र में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेकेंडरी माना गया है। कई चीज आएंगे और इंडस्ट्री वाले यहाँ पे आएंगे, एक हम अच्छा वातावरण बनाएंगे और इस तरह के युवा तैयार करेंगे। जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, जेजेपी होगी, क्या मानते हो कि जो पीछे जो वर्तमान सांसद हैं दोबारा फिर भाजपा के कैंडिडेट मैदान में आए, क्या लगता है? मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सब करते ही आ रहे हैं पहले से। लोग बहुत परेशान हो गए इनकी झूठी बातों से, उन सब जानते ही ना लोग, क्योंकि जाते नहीं, एक बार जीत जाने के बाद फिर दोबारा नहीं जाते हैं। सभी के ही याद है, क्योंकि अभी मैं बाई इलेक्शन में गया था जींद में, अभी बाई इलेक्शन तक वहाँ दुनिया भर के नेता आए हुए थे, कोई कुछ बोलता था कुछ बोलता था, लेकिन 28 तारीख को पोल होने के बाद 29 तारीख से वहाँ एक भी आदमी नहीं गया, क्योंकि वो सिर्फ बात करते हैं। असली ग्रास रूट पे जो काम वो नहीं करते हैं, हम लोग असली ग्रास रूट पे काम करते हैं और ग्रास रूट पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए इसमें आए हैं। बाकी मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं था, लेकिन समाज में जब देखा इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी दिक्कत है, तो सोचा क्यों ना अपने समाज के लिए सोचा जाए और अपने समाज के लिए काम किया जाए। क्या सभी पार्टियां ठीक नहीं कर रही आपके साथ? नहीं, सभी मैं उसमें हर व्यक्ति की बात नहीं करता, इंडिविजुअल की मैं बात करता हूँ, जो इंडिविजुअली जिसको हम लोग कैंडिडेट बनाते हैं। इसके लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि आप लोगों में से चुन के किसी को ऊपर को भेजो, ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को थोपो, ये तो थोपने का तरीका है। तो आपको समर्थन तो देना पड़ेगा, अकेले तो आप सरकार नहीं बना सकते। नहीं, समर्थन देंगे लेकिन अपना काम करेंगे ना, लोकसभा मुद्दे उठाएंगे अपने, किसी पार्टी के तो बहुत सारे से मुद्दे होते, पार्टी का उठा नहीं सकते वो लोग, लेकिन हम तो उठा सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट होंगे तो मुद्दे उठाएंगे अपने और समस्याएं अपनी उजागर करेंगे वहां पे लोकसभा में जाकर। सोनीपत को किस टारगेट पर लेके जाना है? बहुत बढ़िया बनाना है।